खबर मुकम्मल तौर पर मनगढ़ंत और झूठी खबर है। अंजुमन इत्तेहाद अब्बास से पाकिस्तान से इसका कोई ताल्लुक नहीं। हमारे कायद डॉक्टर शफकत हुसैन अब्बासी साहब पाकिस्तान से बाहर हैं। सरदार बाबर अब्बासी साहब किसी भी ऐसे हिस्से का इस किसी भी ऐसे शो का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं। कुछ लोगों ने पुरानी उनकी तस्वीरें चला दी हैं कि वो किसी साहब से मुलाकात कर रहे हैं। वो मिलना मिलाना तो किसी से भी मना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बुनियाद पर झूठी खबरें बनाकर चला दी जाएं। इत्तेहाद इत्तेफाक एक अच्छी बात है, मगर उसका एक तरीक़ेकार होता है, उसका एक बेहतरीन फोरम होना चाहिए और ये बातें बड़ों में होनी चाहिए। एक शख्स उठता है और वह अपने तौर पर मनगढ़ंत कहानी बनाकर और उठाकर वो फेसबुक पर अपना कद काठ बढ़ाने के लिए अगर कोई खबर या तस्वीर लगाता है तो उसे वो काबिल कबूल नहीं है। डॉक्टर शफकत हुसैन अब्बासी साहब की तस्वीर को शामिल करना और सरदार बाबर की तस्वीर को उसमें शामिल करना ये हमारे लिए तकलीफ़दह बात है। हम इसकी न सिर्फ तर्दीद करते हैं बल्कि शदीद मजम्मत भी करते हैं और वार्न करते हैं, आइंदा वार्निंग देते हैं, कोई भी शख्स कोई भी फर्द हमारे कायद की, हमारे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी की, हमारे किसी भी अहदेदार की कोई तस्वीर कोई बयान बग़ैर तस्दीक के शामिल ना करें, बग़ैर इजाज़त के शामिल ना किया जाए। ये मनगढ़ंत किस्सा और कहानी बना दी गई है कि इस किस्म का इत्तेहाद इत्तेफाक हो रहा है। हम किसी इत्तेहाद इत्तेफाक के मुखालिफ नहीं हैं, हम इसके हामी हैं। इत्तेहाद इत्तेफाक होना चाहिए, मगर ये जो तरीक़ेकार है कि कोई शख्स अपना कद काठ बढ़ाने के लिए इस तरह के हर्ब इस्तेमाल कर रहा है, हम इसके लिए काबिल हम इसे काबिल कबूल नहीं समझते।